हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रैबार पर दोस्तों। और आज के इस ब्लॉग में बहुत ही खास चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज हमारे गांव में आ रही है माँ नंदा की डोली, जो कुरुड़ की डोली है। और उत्तराखंड में जो राजजात यात्रा होती है दोस्तों, तो उसमें जो कुरुड़ की जो नंदा डोली है, वो डोली सबसे आगे रहती है। तो आज वही डोली हमारे गांव में पधार रही है, तो आज इस ब्लॉग में आप उसको पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये यहां पे बना हुआ है, ये बकरियों के लिए इसमें पिंडा रखते हैं, दाना रखते हैं। और ये है हमारे भाई साहब का मकान। हेलो भाई जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बढ़िया स्वास्थ्य शरीर। क्या कर रहे तुम? अच्छा। और दोस्तों, ये हैं भाई साहब की बकरियां, ये देखिए कितनी बकरियां हैं इनके पास। ये अभी जंगल जाएंगे नहीं, थोड़ा देर में जाएंगे। दोस्तों, ये हो गई है तैयारी, आज नंदे भी आ रही है। तो पूरे गांव से मेवाक जाती है, मतलब सामग्री इकट्ठा करते हैं सभी लोग। और अब हम चल पड़े हैं गांव की तरफ। दोस्तों, ये देखिए जामे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, है सामान पूरे गांव से, है ना दादा? बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं माता नंदा की डोली के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं अपने गांव की रास्ते पे। चिरंजीवी भव, खुश रहो, आबाद रहो। जय हो, जय हो, जय हो, स्वागत है आप सबका। जय माता दी, जय माता दी। आराम से थोड़ी देर हम क्या बनाने भाई? ये बनेगा हलवा और पुआ। अच्छा, ये मतलब जो खास तौर प्रसाद के लिए, प्रसाद के लिए ना? हाँ जी। डाल 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 डालो डालो। दोस्तों, ये बन रहे हैं पुए। हाँ, थोड़ा धूप धूप डालना, ये धूप डालो डालो डालो। क्या हुआ? और इसमें डाल दिया दूध। पहाड़ की पहचान सर, घी डाल। चाय घी भी पड़े हुआ, ये पड़ा घी। अरे घी भी डाल दिया इसमें। यहाँ पे कट रही है दोस्तों सब्जी। ये नाती आए हैं भाई आजकल दिल्ली से। हाँ, तो बताओ भाई, आप तो दिल्ली में पढ़े लगोने के ब्याह में पढ़े लगोने? ब्याह में पढ़े लगोने। आप तो गड़बड़ अभी तक बिसे ना तुम दिल्ली पे? बहुत हिंदी में बुला चाहिए है ना? है भाई छोटी, आप तो कहो लगो ना बढ़िया। गाँव में लगोने की दिल्ली में बढ़े? गाँव में कैसे बढ़िया? दिल्ली गंदा है क्यों? गंदा क्यों है बताओ ना मुझे। आपको गांव क्यों अच्छा लगा? नहीं, गांव बाहर नहीं जाते। बाहर नहीं जाते ना, कमरे में रहते हैं दिन भर। आप कमरे में खेलते हो, पार्क नहीं जाते घूमने? जाते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पिक्चर हॉल में जाते होंगे, फिर बड़ी बड़ी दुकानों में घूमते होंगे, खिलौनों के साथ घूमते होंगे। क्यों भाई नाती है घूमना सर? बढ़िया नहीं लगता आपको दिल्ली में? कोरोना है आज दिन के लिए बनना है भोजन, पूरे गांव के लिए भोज है। और इसमें अब बनेगा भात, और इस तरफ बनना है मसाला। कन्या नाम रासो शोभा के पद निका याम हमुक जन्म रासो मृत्यु में मेघ राशि मरेंगे और मीन राशि। हां
भास्कराय नमो नमः सूर्यभास्करमण्डलाय भ्यो नमः ब्राह्मणदास मंगलतिलकम् हरिः ॐ नमः स्वस्तिनन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः भूषा विश्ववीराः स्वस्तिनत्रारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथव्यापय ओषधीशिपयोदिव्यन्तरिक्षेपयोदाः वयस्पति प्रसिद्धः सन्तु मयम् विष्णोरराटमसि विष्णो सन्पद्रसि विष्णो द्रुममसि वैष्णवमसि कुशलमस्तु चिरायनस्तु ॐ अम्बा शाम्भवि चन्द्रमौलिरबला प्रणा उमा पार्वती काली हेमलता शिवास्त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रोपी परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी। सर्वप्रथम मानंदा देवी राजराजेश्वरी के सभी उत्तराखंड के जितने भी भक्तजन हैं सभी को माँ नंदा देवी का आशीर्वाद बना रहे। ये हम माँ नंदा देवी के उपासक गौड़ पुजारी सभी भक्तजनों को आशीर्वाद के रूप में माँ नंदा देवी का आशीर्वाद देते हैं। माँ नंदा देवी राजराजेश्वरी समुचे भारत की कुल इष्ट देवी और जिनका सिद्धिपीठ शिला रूप में मंदिर सिद्धिपीठ नंदाधाम कुरुड़ में स्थापित है, वहाँ से माँ नंदा देवी चल करके वहाँ पे जो माना गया कि वहाँ पे माइका है, माइका से चल करके जो वर्षा ऋतु भाद्रपद मास में नंदा लोक जात यात्रा शुभारम्भ होती है वहाँ से माँ नंदा देवी बेदिनी कुंड यात्रा हिमालय में बेदिनी कुंड यात्रा लोक जात यात्रा संपन्न करके अपने ननिहाल देवराड़ा में 6 महीने के लिए दसोली और 6 महीने के लिए बदवान पट्टी में विराजमान अपने भक्तों को दर्शन देती है, आशीर्वाद के रूप में दर्शन देती है वहाँ पे। और अभी माँ भगवती उत्तरायण पक्ष के लिए जैसे हमारी बहुएँ बेटियाँ अपने मायके जाती है उत्तरायण के लिए मायके संक्रांति के लिए त्योहारों के लिए, तो इसी प्रकार से माँ भगवती अपने मायके के लिए पहुँच रही है उत्तरायण देवराड़ा से कुरुड़ के लिए पहुँच रही है और यही परम्परा 9वीं सदी से चल के आ रही है। दोस्तों इस समय चल रहा है गांव का भोज, क्योंकि आज यहां पे नंदा देवी पहुंची थी तो इस समय यहां पे भोज चल रहा है गांव के सभी लोग। दोस्तों यहाँ पे चल रही है बर्तनों की धुलाई। भाई मजा बना।
दोस्तों अभी यहाँ से जो हमारी जो नंदा देवी है, जो नंदा की डोली है दोस्तों, वो आज रात को जो मेरे पीछे आप गांव देख रहे होंगे सीध में, ये है सिमली गांव, तो आज रात को यहाँ होल्ड करेगी। तो अभी लगभग दिन का 3:30 बज चुका है, तो लगभग 4 बजे के आसपास हम डोली लेकर के यहाँ से सिमली गांव तक नंदा को छोड़ने जाएंगे, और आज रात नंदा सिमली गांव में ही रुकेगी। तो मैं नंदा की विदाई चल रही है यहाँ पे से। दोस्तों इस समय नंदा की डोली यहाँ से गांव से विदा हो रही है सेनार से, और ये सिमली के लिए आज रात का जो पड़ाव है वो सिमली गांव में रहेगा, और उस सामने आप देख रहे होंगे वो है सिमली गांव।